नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग GKGS के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है भगत सिंह, बी में नाथुराम गोडसे, सी में उधम सिंह और डी में चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, उधम सिंह। ठीक, जनरल डायर की हत्या जो है उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर के कर दी थी, क्योंकि जनरल डायर जो है 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने ही दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महात्मा गांधी की हत्या की थी ये नाथुराम गोडसे ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा, यह नारा दिया था चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ए में है ऋग्वेद, बी में सामवेद, सी में अजुर्वेद और डी में अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र जो है सो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, आपको पूछ देगा गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, तो आप आंसर ऋग्वेद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 128 सूक्त हैं। आपको पूछ देगा ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। ठीक है, और कितने सूक्त पूछते हैं, तो 128 सूक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ये सामवेद को कहा जाता है। आपको पूछेगा भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो आप इसका आंसर कीजिएगा सामवेद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गद और पद वाला वेद, तो गद और पद वाला वेद जो है तो अजुर्वेद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जादू टोना का उल्लेख पूछेगा कि जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है, तो आप इसका आंसर अर्थवेद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बताता हूँ जो कहीं ना कहीं पूछा गया है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? ए में है पुराण, बी है जातक, सी में है मुंडकोपनिषद और डी है महाभारत। तो जो सत्यमेव जयते ये सब जो है सो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सबसे प्राचीन पुराण अगर आपको पूछे कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आप इसका इसका आंसर कीजिएगा मत्स्य पुराण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी ये जातक में है। ठीक है, ये भी पूछ लेगा जातक जो है किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। महाभारत का प्राचीन नाम, तो महाभारत का प्राचीन नाम आप जय संहिता कीजिएगा। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय संहिता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपके पास चार ऑप्शन है, ए में है समय, बी में है दूरी, सी में है प्रकाश और डी में है प्रकाश की तीव्रता। इसका सही आंसर होगा दूरी। प्रकाश वर्ष जो है सो दूरी की इकाई है। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी आंसर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पदार्थ की मात्रा ये इसका मात्रक है मोल। नेक्स्ट पॉइंट है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट है तापमान, तापमान का मात्रक है केल्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए में है महात्मा गांधी, बी में सरदार भगत सिंह,
सी में है चंद्रशेखर आजाद, डी में है स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, किस आपको पूछ रहा है किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप इसका आंसर कीजिएगा स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपको पूछ दे विश्व युवा दिवस, तो ये 12 अगस्त को, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 जनवरी, और विश्व युवा दिवस पूछे तो 12 अगस्त कीजिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस, अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछता है तो ये 13 फरवरी, लेकिन अगर आपको पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में है चंद्रमा, बी में है वरुण, सी में है शनि और डी है शुक्र, यानी शुक्र ग्रह पर, शनि ग्रह पर, वरुण पे या चंद्रमा पर। इसका सही आंसर होगा चंद्रमा पर। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? ये चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। शाम का तारा या पृथ्वी की बहन, ठीक है, ये शुक्र को कहा जाता है। वरुण को कहा जाता है ये हरा ग्रह, दोस्तों आपको पूछ दे कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तो वरुण, वरुण को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अरुण को कहा जाता है, ये लेटा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे छोटा उपग्रह, तो सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, ये मंगल का उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक डीमोस एक फेबोस। ठीक है, ये जो है डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है, लेकिन अगर पूछ दे कि डीमोस किसका उपग्रह है, तो आप मंगल कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सातवें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? रूपसी, बी में है ऑप्शन आपका जयपाल सिंह, सी में है मेजर ध्यानचंद और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। आपको पूछ देगा कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या किया गया, तो मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को, 1 महीने का अंतर है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जल जो है 12 मार्च और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में है 2, बी में है 6 जोन, सी में 8 जोन और डी में है 10 जोन। तो भारत को 8 जोनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1766 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहला डाकघर ये मद्रास में खुला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी, ये 1911 ईस्वी में के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। वायुमंडल में समानता CO2 पाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? ए में है 78%, बी में है 21%, सी में 4% और डी में 0.03%। इसका सही आंसर होगा 0.03%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का अनुपात 78% है, और अगर आपको ऑक्सीजन पूछ दे तो लगभग 21% है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वायुमंडल के सबसे निचली परत को कहा जाता है, ये क्षोभ मंडल कहा जाता है, और इसी क्षोभ मंडल में हम लोग रहते हैं, जहाँ बारिश होता है, आंधी तूफान आना, अगर पूछ दे आंधी तूफान किस मंडल में आता है, तो क्षोभ मंडल में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वायुयान उड़ता है ये, सॉरी दोस्तों यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है,
ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, इसलिए सॉरी, ये समताप मंडल लिखा हुआ है, ठीक है। तो वायुयान कहाँ उड़ता है, तो समताप मंडल में उड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब दसवें पर्वत को देखते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते लगते, क्या कहलाते हैं? इसका कहना है मतलब कि बीज तो बनता है लेकिन फूल नहीं लगता है, उसे क्या कहा जाता है? ए में है ब्रायोफाइटस, बी में है टेरिडोफाइटस, सी में आवृत्ति बीजी और डी में अनावृत्ति बीजी। इसका सही आंसर होगा अनावृत्ति बीजी, ठीक है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प यानी फूल नहीं लगते हैं, उसे अनावृत बीजी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पौधे के उभयचर वर्ग को कहा जाता है ये ब्रायोफाइटा। उभयचर ये जल और स्थल दोनों जगह रह सके, ठीक है, उसे उभयचर कहते हैं, ठीक है। जैसे मेढक, मेढक उभयचर है, वो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, उसी तरह पौधे को उभयचर कहे जाते हैं तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मरुस्थल में वास करने वाले पौधे इसे जीरोफाइटा कहते हैं, ठीक है, जीरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पत्थर पर उगने वाले पौधे इसे लिथोफाइटा कहते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।